हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। उससे पहले एक आवश्यक सूचना है कि मैं वीडियो बनाता हूं सिर्फ नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह नहीं है। और एक और बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएं, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं, फाइनेंसिंग फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका बाजार आकार। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मार्केट कैप 197 करोड़ का है। करंट प्राइस 2.35 रुपया, बुक वैल्यू 2.49 रुपया, बुक वैल्यू से कम प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। 52 का हाई लो 3.25 रुपया और 1.45 रुपया। स्टॉक पी 25.3, बुक वैल्यू तो बोल चुका हूँ। डिविडेंड कुछ भी पेड नहीं कर रही है। ROCE 6.13%, ROE 4.54%, फेस वैल्यू 1 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका चार्ट देखते हैं एक साल का। तो चार्ट पैटर्न तो कंफ्यूजन में डाल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन एक न्यूज के वजह से इसमें हो सकता है कि अप ट्रेंड बन जाए और ये 5 रुपये को आसानी से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अभी का वैसा न्यूज लगभग जिस शेयर में हुआ है उस शेयर में कुछ ना कुछ अप ट्रेंड बना है। फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह मेरा नहीं है। प्रोज 3, कॉन्स भी 3 है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं। लेट है, कोई बात नहीं, ये अभी अपने बुक वैल्यू से नीचे पर ट्रेड कर रही है 0.95 टाइम्स और क्वार्टर रिजल्ट अच्छा देने की उम्मीद है। और डेप्टर डेज जो है इम्प्रूव हुआ है, जो कि 42.7 दिन से 27.8 दिन हो गया है। और डिविडेंड पे नहीं करती है, ये कौनस में है। प्रमोटर होल्डिंग 26.4% है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। प्रमोटर होल्डिंग उतना लो भी नहीं है, बाकी आप लोग खुद का विचार देखें, खुद का बुद्धि विवेक के अनुसार ही देखें। और उसके बाद में है जो लो रिटर्न दे रही है, लास्ट 3 ईयर्स का 6.11%। आगे चलते हैं, पीयर कंपैरिजन यानी कि सहकर्मी। तो इस प्रकार है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल, ओला मैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, SBI कार्ड, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस, तो ये 7 को बताया गया है। ऐसे 157 कंपनी है, उसके नीचे में दिया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट
जून 2023 का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर से, और एक्सपेंस उस मतलब कि जो हो रहा था पिछले क्वार्टरों में उससे ज़्यादा ही एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,39,00,000 का हुआ और अदर इनकम 66,00,000 का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 1,46,00,000 का है लेकिन नेट प्रॉफिट 73,00,000 का ही है, जिसके वजह से ईपीएस 1 पैसा आया। और टीटीएम लास्ट 12 मंथ का अगर रिजल्ट देखते हैं तो 57.36 करोड़ का सेल्स किया है, एक्सपेंस 46.14 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.22 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,85,00,000 लेकिन नेट प्रॉफिट 7,80,00,000, जिसके वजह से ईपीएस 10 पैसा है। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो रिजर्व इसके पास काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि शेयर कैपिटल 84 करोड़ का है जबकि रिजर्व 124.76 यानी कि 124,76,00,000 है। ब्रोइंग 32,48,00,000, तो पिछले क्वार्टर से तो ब्रोइंग बढ़ा है, रिजर्व तो अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है हर क्वार्टर में, और इन्वेस्टमेंट भी घटा है जो कि 1,67,00,000 का था पिछले क्वार्टर में, जून 2023 क्वार्टर में 1,48,00,000 का है। टोटल एसेट में बढ़ोतरी हुई है 277,26,00,000, मतलब अभी का है यानी जून 2023 का टोटल एसेट, और कैश फ्लो प्लस में है 66,00,000, ये अच्छी न्यूज है इसके लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो 26.40% प्रमोटर के पास, एफआईएच के पास में कुछ भी नहीं, पब्लिक के पास में 73.60% है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि कितने शेयर होल्डर्स है तो 2,28,993 शेयर होल्डर्स है अभी, ये सितंबर 2022 के अनुसार है। और इसमें बोल रहा था एक न्यूज, तो न्यूज में इसे खास भी माना जा सकता है और खास नहीं भी माना जा सकता है। तो 25 सितंबर को ये रहा यहाँ पर डेट, सितंबर 25, 2023 11:30 वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ओनली। एनुअल जनरल मीटिंग एंड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2022-23 का, यही है न्यूज। तो 25 सितंबर दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि 25 सितंबर से पहले इस शेयर में हलचल होगी मेरे आइडिया अनुसार। फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह मेरा नहीं है, इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ओनली वन अपने बुद्धि विवेक से ही इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं।